नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद शुभम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजली विभाग नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और साथ में आप लोग 5 मई 2021 तक घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी कि बिजली विभाग के अंदर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके और बिना किसी डाउट के आप लोग आवेदन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर साल 2021 में सरकारी नौकरी पा सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके काम की लग रही हो, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट है और अगर आप लोग नीचे आएंगे तो यहां पे आपको कई सारी पोस्टें मिलेंगी, पर कोड मिलेगा, कुल रिक्तियां मिलेंगी, भर्तियां, उसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, जहाँ पर जनरल OBC SC ST और EWS के साथ PWD वाले भी आवेदन कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कई सारे पदों पर वैकेंसीज आ चुकी हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे विद्युत के बाद यांत्रिक है और यहाँ पे कंप्यूटर के पदों पर भी भर्तियाँ आ चुकी हैं। इसके बाद अगर टोटल पदों की बात करें तो 196 पदों पर ये भर्ती आ चुकी है और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि आवश्यकता अनुसार इन भर्तियों को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। साथ में अगर बात करते हैं यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी की वेतन की, तो आप लोग यहाँ पे प्रारंभिक वेतन देख पाएंगे लेवल 7 के अंदर 44,900 रुपये आपको स्टार्टिंग में वेतन दिया जाएगा। इसी के साथ कई सारी और भी जानकारी है जिनके बारे में जानना आप सभी का जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के। अभी आप लोग यहाँ पे उम्र देख पाएंगे, न्यूनतम यानी कम से कम आपकी उम्र 18 साल और अधिक यहाँ पे 40 साल तक की होनी चाहिए। अगर आप लोग 18 से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको उम्र में छूट मिलेगी, जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से हमको और भी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, बिजली विभाग की तरफ से जो डायरेक्ट भर्ती है 2021 के लिए, उसका नोटिफिकेशन आप सभी को ऑलरेडी दिखा दिया गया है। 190 प्लस यहां पे वैकेंसीज है, मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए और आप सभी के लिए JEE की यहां पे वैकेंसीज आ चुकी हैं। आखिरी डेट की बात करें तो 5 मई 2021 तक आपको आवेदन कर देना है और अधिक जानकारी के लिए आप चलते हैं वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद देख पाएंगे राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग sp.gyan.com पे भी जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो 190 प्लस होगी और साथ में पोस्ट यहाँ पे आपको JEE की मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 10 अप्रैल 2021 की है, यानी कि 10 अप्रैल से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आखिरी डेट यहां पे 5 मई 2021 की है, तो आपको 5 मई 2021 से पहले अप्लाई कर देना है। कम से कम जो आपकी उम्र है वो 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल तक की होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको उम्र में छूट भी मिलेगी। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसके बारे में जानकारी नोटिफिकेशन में विस्तार में डिटेल में दी गई है, तो आगे हम बात करेंगे। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, तो क्लिक हियर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल होंगे अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, तो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड आपका डिपार्टमेंट रहेगा। और वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे जो है तो दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद बात करते हैं वेतन के बारे में, तो वेतन आपको रूल के हिसाब से 44,900 रुपये स्टार्टिंग में दिया जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिखा दिया गया है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि 10th डिप्लोमा और इसके इक्विवेलेंट होने वाला है। इसके बाद आपको जो है तो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वेबसाइट से लास्ट डेट से पहले आवेदन करने होंगे और जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसके बाद यहाँ से हम लोग जो है तो sp.gyan.com की वेबसाइट पे चलते हैं, जहाँ से हमको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में अपडेट मिलने वाली है। तो हम लोग आ चुके हैं sp.gyan.com की वेबसाइट पर। इसके बाद आपको 196 पोस्टें मिलेंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। देन इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको
और भी जानकारी मिलेंगी और यहां से अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन फाइंड करना होगा। तो इम्पोर्टेंट लिंक के ऑप्शन पे आने के बाद यहां पे आपको तीन तरह के लिंक मिलेंगे, अप्लाई लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का। तो आपको नोटिफिकेशन के लिए सिंपली क्लिक हेयर पे एक बार क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जब डाउनलोड की बटन आ जाए तो आपको इसको प्रेस करके डाउनलोड कर लेना है। अब आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 196 पोस्टें हैं और यहाँ पे आपको विधा भी देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पे आपको और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि नोटिफिकेशन 18 मार्च के दिन जारी किया गया था और इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ों को देखने के लिए हमको वेबसाइट पे चलना होगा। तो अप्लाई लिंक की बात करें तो यहाँ पे क्लिक हेयर की बटन है, आपको इस पे क्लिक करना है और पोस्ट रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे आप लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे बता दिया गया है कि जो आपका पोस्टें हैं वो यहाँ पे 5 तारीख तक जो है तो चलेगा, आप लोग इसके अलावा भी चेकआउट कर सकते हैं, कई सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको वीडियो काम की लगी हो तो आप लोग लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।